कोटा के रामपुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल के भी अब जल्द दिन बदलेंगे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आज अस्पताल परिसर का विजिट कर अस्पताल के रिनोवेशन सहित अन्य आवश्यक कार्यों के लिए एक कंसल्टेंट नियुक्त कर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री शांति धारीवाल ने सैटेलाइट हॉस्पिटल में नगर विकास न्यास द्वारा विकसित किए गए 2 करोड़ की लागत के ऑक्सीजन प्लांट का भी लोकार्पण किया, जिसकी क्षमता 150 सिलेंडर प्रतिदिन है। वही परिसर में डायलिसिस मशीन की भी सौगात दी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं अस्पताल अधीक्षक डॉ. राकेश कुमार सिंह के साथ करीब आधे घंटे तक पूरे अस्पताल परिसर का अवलोकन किया। तो सबको देख रहे हैं, पार्किंग की भी है, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की भी है, मॉड्यूलर आपका उसका लेबर रूम की भी है, बेड्स भी बढ़ाने हैं, कोई लंबा चौड़ा काम है। अब इसको दिखवाते हैं, देखें किस तरीके से होता है, थोड़ा नक्शा वक्शा बन जाए इसका, फिर देखते हैं कितना एस्टिमेट बनता है, उस हिसाब से काम करवाएंगे। तो माना जाए माननीय मंत्री महोदय से हम कई दिनों से निवेदन कर रहे थे, तो आज उन्होंने अपने बिजी समय शेड्यूल में से समय निकाल के 2 चीज़ों का तो लोकार्पण किया। एक तो ऑक्सीजन प्लांट, जो कि जिसमें कि टोटल लागत मैनिफोल्ड मिला के 2 करोड़ रुपए है, जो कि UIT द्वारा स्थापित किया गया है। ये एक प्लांट है UIT द्वारा, कुल और भी प्लांट मेडिकल कॉलेज में स्थापित किए गए हैं, लेकिन रामपुरा में एक है। उसके अलावा ICICI बैंक द्वारा जो CSR में 4 मशीनें डायलिसिस दी गई हैं, उनका भी आज लोकार्पण किया गया, जिसमें से एक मशीन यहाँ है, तो उस मशीन के माध्यम से 4 मशीनों का लोकार्पण भी किया गया। साथ ही माननीय मंत्री महोदय ने अवलोकन किया पूरे हॉस्पिटल का और एक कंसल्टेंट नियुक्त करने के निर्देश दिए, जिससे कि वो इवैल्यूएट करके जो नीड है हमारी उसके हिसाब से प्रोजेक्ट बना करके सबमिट करेंगे। उसके बाद इसके बारे में जैसा माननीय मंत्री महोदय निर्देश देंगे डिसाइड करेंगे। जी, हमने जो मेन ज़रूरत बताई, एक तो मॉड्यूलर OT की बताई है, मॉड्यूलर लेबर रूम की बताई है, एक पार्किंग प्लेस की बताई है, एक सेपरेट OPD कॉम्प्लेक्स की बताई है, और एक IOT और IWARD की बताई है। ये मेन है। पुराने बिल्डिंग का रिनोवेशन का भी निवेदन किया है, तो अब जैसे जो प्रोजेक्ट बनता है उसके हिसाब से जैसा वो निर्णय लेंगे। जी, हम लोग तो काफ़ी होपफुल हैं कि कुछ ना कुछ बदलाव इसमें ज़रूर आएगा।